नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छी होगी। स्वागत करता हूँ मैं मनोज कुमार अपने चैनल इक्विटी पावर में। राइट, तो इक्विटी पावर जैसे एक फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं। तो आज मैं द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर कर लीजिए, मेंटर कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, शेयर मार्केट में जो वर्ल्ड के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन, जिन्होंने बहुत बड़ा अपना कैपिटल एक डोनेट भी किया, उसके बाद भी उनके पास इतना कैपिटल है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिनके पास इतना कैपिटल है, काफी कंट्री का उतना जीडीपी ग्रोथ भी नहीं है, उतना उनका बजट भी नहीं होता। राइट, इतना कैपिटल उनके पास। सही पहचान आपने, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। ठीक है, वॉरेन बफेट का जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जो मैंने उनके नोट्स को, जो उनके वीडियो को देख के जो मैंने सीखा है, उसका नेचुरल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको 5-6 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जो बिगनर है वो इन बातों का अगर ख्याल करते हैं, अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आई होप कि वो कभी धोखा नहीं खाएंगे और कभी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं खाएंगे। नुकसान इन द सेंस की नुकसान तो सबको होता है शेयर मार्केट में, कोई भी बंदा जो होता है वो शेयर मार्केट में नुकसान होता ही होता है उसका, बट बिना नुकसान के, बिना फी दिए आप सीखोगे कैसे? क्योंकि स्कूल में भी अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ फी देना पड़ता है सीखने के लिए। उधर शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा पैसा नुकसान करना ही पड़ता है, ना चाहते भी हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा फी होता है, हमारा शेयर मार्केट में लर्निंग फी होती है। राइट, बट वॉरेन बफेट के स्टाइल में करेंगे तो वो फी काफी छोटे हो जाएगी, आपका वो फी नेगलिजिबल के बराबर हो जाएगा। राइट, तो उस फी में क्या क्या आता है? सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो वॉरेन बफेट का जो फर्स्ट माइंड शॉट है, माइंड सेट है, जिनका वो पहला थॉट है कि नेवर लूज योर कैपिटल अमाउंट। आपका जो कैपिटल अमाउंट है ना, उसको कोशिश करो कि कभी लूज ना करने की। जैसे मैंने पहले बोला, लूज तो सभी करते हैं, बट वॉरेन बफेट कहते हैं कि उसको कोशिश ट्राई कर सकते हैं कि उसको लूज हम ना करें, हमारा जो कैपिटल है उस अमाउंट को हम प्रोटेक्ट करके रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हमारा कैपिटल अमाउंट जो है ना वो प्रोटेक्ट हो, वो कभी लूज ना, कभी वो नुकसान ना जाए, कभी खत्म ना हो। जैसे बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न लेने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि छोटी छोटी कंपनी में, स्मॉल लेवल में, स्मॉल स्केल की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी पहले साल तो अच्छा रिटर्न देती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक के फर्स्ट एक शेयर का जो प्राइस जो 100 रुपीज है, और उसने पहले साल में 50% रिटर्न दिया, 50%, तो दूसरे साल क्या हो गया, उसका 150 रुपये का प्राइस हो गया। अब सेकेंड ईयर में वो मात्र 30% रिड्यूस हुआ, 30% नेगेटिव रिटर्न दिया। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 50%, सेकेंड ईयर में 30% रिटर्न दिया, आपको 20% लग रहा होगा, 20% अच्छा रिटर्न दिया, बट यहाँ पर जो प्राइस का जो वैल्यू होगा आफ्टर 2 ईयर्स वो 105 हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वही पे एक अच्छे शेयर में अगर हमने इन्वेस्ट किया, मानो कि उसका शेयर दाम भी 100 रुपये है, और उसका जो फर्स्ट ईयर रिटर्न था वो 50% था, 15%, तो सेकेंड ईयर उसका क्या रिटर्न हुआ, 115, सेकेंड ईयर में उसका अमाउंट क्या हुआ, 115 रुपये, और सेकेंड ईयर में उसने रिटर्न दिया 15%, तो थर्ड ईयर में उसका क्या रिटर्न हुआ, 131 रुपये। राइट, यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी की शेयर था, जो काफी स्मॉल लेवल का वीक शेयर था, जो 100 रुपीज दाम था, उसने रिटर्न दिया आफ्टर 2 ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर में 50% बढ़ा, सेकेंड ईयर में 30% डाउन हुआ, उसने 105 रुपये का रिटर्न दिया आफ्टर 2 ईयर्स। और जो सेकेंड कैटेगरी की जो अच्छी कंपनी है, वो फर्स्ट ईयर रिटर्न दिया 15%, सेकेंड ईयर रिटर्न दिया 15%, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने जो कैलकुलेट रिटर्न दिया है आफ्टर 2 ईयर्स, 131.50 रुपये। आप यहाँ पर खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपना अमाउंट जो कैपिटल है उसको कहाँ बचा सकते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट का जो है ना, छोटा कम रिटर्न लो बट अच्छा रिटर्न लो, उनका अगर आप 40-45 साल का जो एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 20-22% का रिटर्न है। आप कहीं भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 20-22% का रिटर्न है। बट हम जनरल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो छोटे कंपनी में जाते हैं इन्वेस्ट करने, और छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करने के
ताकि हाई रिटर्न है, बट वो हाई रिटर्न एक हाई नेगेटिव रिटर्न में भी बदल जाता है और हमारा पैसा वही का वही रहता है या उससे कम हो जाता है। बट अच्छी कंपनियों में जैसे इंडिया की बात करें, इंफोसिस, HDFC, इन अच्छी कंपनियों, ONGC, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा धीरे बढ़ेगा बट बढ़ेगा जरूर, राइट। इसमें आपका कैपिटल लूज करने, कैपिटल खत्म करने की नौबत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये मैं एक्चुअली लंबा ये टॉपिक ले लिया मैंने आपको, नेवर नेवर लूज योर कैपिटल अमाउंट, राइट। दूसरा क्या है कि आप उस कंपनी, जिस कंपनी में आप देख रहे हो ग्रोथ करने की या इन्वेस्ट करने की, उसका सेल्स ग्रोथ देखें आप। उसका सेल्स ग्रोथ क्या होता है ईयर बाई ईयर, क्वार्टर बाई क्वार्टर, उस कैसे बढ़ रहा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे या इंटरनेट पे बहुत सारे हर एक कंपनी के साइट पर मिल जाएगी। अगर आपको उस कंपनी के साइट के बारे में पता करना है तो आप NSEIndia.com को भी पता कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा है, उसका मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट उसका ईमानदार हो। आप सत्यम जैसी कंपनी को भी देखा है डूबते हुए आपने, ठीक है। तो भाई अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब बहुत तेजी में आगे बढ़ी, बट उसी तेजी में वो नीचे बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्यों नीचे गिरा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बेमान था, उसका मैनेजमेंट सही नहीं था। तो मैनेजमेंट के ऊपर तो आप जरूर ख्याल करें, ठीक है। मैनेजमेंट सिंसियर हो, ईमानदार हो और कंपनी के बारे में सोचता हो, ठीक है। उस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज ना हो, डेप्ट फ्री कंपनी, कोई डेप्ट ना हो। इन सब को देखते हुए कंपनी को इवेल्युएट करिए, फर्स्ट कंपनी को इवेल्युएट करिए कि उस कंपनी का ग्रोथ क्या है, उस कंपनी का आने वाले 2 से 3 सालों में कितना ग्रोथ हो रहा है और आने वाले ईयर में वो कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो इवेल्युएट करना कंपनी का बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, तीसरा जो वॉरेन बफेट का स्टाइल है कि वॉरेन बफेट कभी कैश में नहीं बढ़ते, कैश इज ऑलवेज बैड इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कैश है ना, आप वो सोचते हैं कि कैश पे लेके बैठे रहूं मैं, इंतजार करूं, हाँ वेट तो करना पड़ेगा, राइट पीच का वेट करना पड़ेगा, राइट समय का वेट करना पड़ेगा, बट कैश को आप ज्यादा दिन तक अपने पास होल्ड करके रखेंगे तो कैश कभी बढ़ता नहीं है, इवन को घटता ही, ठीक है। तो कोशिश करें कि कैश को हमेशा आप इन्वेस्ट करके रखेंगे, नो कैश, कैश को कभी कभी ना बैठे, ठीक है। तो चौथा क्या है, इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट, मतलब प्रोडक्टिव एसेट की आप जो एसेट, जैसे एग्जांपल लेता हूँ FMCG कंपनीज में, ठीक है। FMCG कंपनीज क्या होती है कि वो डेली यूज होते हैं, तब वो डेली यूज करने वाली चीजों पे, जैसे रिफाइनिंग कंपनी जो वायर ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी, उस पर इन्वेस्ट करें। उन कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद करते हैं अगर आप, तो डेली यूज होती है तो उनका प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता ही है और जो उनका एसेट है उनको मूवमेंट होता ही होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि FMCG कंपनीज, जो डेली यूज की कंपनियां, डेली यूज के सामान में जो कंपनियां हैं, वो उस कंपनी में यूज इन्वेस्ट करें, ठीक है। पांचवा क्या, उनका इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म, इवन की लॉन्ग टर्म इन द लॉन्ग टाइम होरिजन, 5 to 10 years तो मिनिमम कहते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5 से 10 साल इन्वेस्ट कीजिए, और 5 से 10 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और अगर पैसा कमाना है इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो 5 से 10 साल, इवन की वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को देखेंगे आप तो कोका कोला, जिलेट, ऐसी बहुत सी कंपनियां, नेस्ले, जो पीछे 40 से 50 साल से अधिक से अपने पोर्टफोलियो में रखा उन्होंने, और 20 से 25% उस कंपनियों ने रिटर्न दिया, राइट। और वॉरेन बफेट का अगर आप पोर्टफोलियो बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने जो बर्कशायर हैथवे का इस्टेब्लिश किया था, वो एक टेक्सटाइल की कंपनी थी, उसको परचेज करके, क्योंकि उसके मैनेजमेंट से वो खुश नहीं थे, तो शेयर मार्केट में उसके शेयर धीरे धीरे परचेज करते गए, और एक दिन ऐसा आया कि उसका जो टेक्सटाइल कंपनी थी उसके जो पुराने मालिक थे उन्होंने बेच दिया, उन्होंने वॉरेन बफेट को दे दिया, और वॉरेन बफेट, क्योंकि वॉरेन बफेट उसमें शेयर उसको खरीद लिया उन्होंने, उसमें शेयर को खरीदते खरीदते दे दिए, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी बना दी उसको, और जो बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है वो आज उसके चेयरमैन है, MD है, और जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उस कंपनी के, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इम्पोर्टेंट थिंग जो वॉरेन बफेट करते हैं कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना हर जगह बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसको सुधारने का आपके पास बहुत सारा बहुत बड़ा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 से 6 ऑप्शन से जो मैंने एक नेचर निकाला हुआ, जो एक कहते हैं ना कि नर्चर किया हुआ उनके बहुत सारे वीडियोज से, बहुत सारे बुक्स से,
तो सबसे पहला है कि आपका नेवर लूज योर कैपिटल। दूसरा है कि इवेल्युएट द कंपनीज, या कंपनी कैसे इवेल्युएट, उसका सेल्स ग्रोथ को देख के, उसके प्रॉफिट को देख के, उसके मैनेजमेंट को देख के, उसके डेब्ट फ्री कंपनी उसको देख के, कैश पे कमी ना बैठे, कैश अपने पास कमी ना रखे, ठीक है। चौथा, इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स, राइट, डेली मूव करने वाली कंपनी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम होरिजन के लिए इन्वेस्ट करें, इवन टू हो सकते लाइफ फॉर एवर के लिए इन्वेस्ट करें, राइट। और एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, ये छह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। और आप जो नए बिगनर इन्वेस्टर आते हैं, जो नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, ये छह चीजों को माइंड में रखें ना, तो आई होप कि उनको कभी लॉस नहीं होगा। लॉस तो होगा क्योंकि शेयर मार्केट ही है, मतलब कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में आने के बाद अगर लॉस ना हो तो आपने क्या किया। सभी को, राकेश झुंझुनवाला हो या मोतीलाल सवाल हो या रामदेव जी हो या कोई भी आशीष कचौरिया हो, कोई भी इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे आशीष कचौरिया कहते हैं कि अभी हमारा जो उनका क्या कहते हैं पोर्टफोलियो है, वो काफी डाउन है, फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट, नई कंपनी में अभी दो नई कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, राइट। तो मैं कहने का मतलब है कि इन छह जो बेसिक मूल मंत्र है उसको लेके चलिए, और कभी भी अपनी होप को मत खोइए, बी पॉजिटिव, आपको शेयर मार्केट में जरूर फायदा होगा। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला या जो भी कोई भी ओवर एंड बफेट हो या रामदेव हो या दवानी साहब हो, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा लॉन्ग पैसा कमाते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था नए लोगों के लिए, बिगनर के लिए जो नए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आएगी, इन्फॉर्मेशन फैलेगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आगे आने वाले जो वीडियो है वो आपके पास जरूर जाएंगे। थैंक्स।